नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज बीम के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे ब्लॉगिंग और एडसेंस के रिलेटेड, इसके आंसर देने वाला हूं। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं पिछले वन वीक से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि अभी जो मेरे सेटअप का वर्क डन होने आया है। तो जैसे हमारा सेटअप कम्प्लीट होगा इसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आजकल सभी ब्लॉगर का जो कॉमन प्रॉब्लम है इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम आज का जो आस्क बीम का एपिसोड है इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप जैसे एडसेंस को ओपन करोगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होगा। इसके अंदर लिखा होगा कि अर्निंग अ ट्रिक्स, इसके बाद लिखा होगा कि वन और मोर साइट डज नॉट हैव एड डॉट टीएक्सटी फाइल, फिक्स दिस नाउ अवर सर्व इम्पैक्ट योर रेवेन्यू। तो इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक एड्स डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बनानी है। इसके अंदर आपको जो गूगल जिस तरह से कहता है इस तरह से आपको एक लाइन ऐड करनी है, और वहाँ पर जो 00 लिखा है इसकी जगह जो आपको यहाँ पर जो आपका पब्लिशर आईडी ऐड करके, जो आपका वेबसाइट आपने अगर शेयर होस्टिंग के अंदर होस्ट करके रखा है तो आपको सीपीएन के अंदर जाके फाइल मैनेजर में जाके जो आपका रूट फोल्डर है इसके अंदर इस फाइल को अपलोड करनी है। तो आसानी से जो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी रेवेन्यू को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, सिंपल आपको ये काम करना है तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है रोहित पाटिल की तरफ से, और ये पूछ रहे कि अरे भाई, लेकिन तुमने मैं जो मेन बात तो बताया नहीं कि अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगा तो कैसे ठीक करें, हाउ टू मेक इट मोबाइल फ्रेंडली पोस्ट ऑफ। और तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो के अंदर जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि गूगल जो इसके एल्गोरिथम के अंदर आने वाले टाइम के अंदर अपडेट करने वाला है कि जो आपकी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली वर्जन होगा वो सबसे पहले इंडेक्स करेगा, यानी कि मोबाइल फ्रेंडली इंडेक्स फर्स्ट इस तरह से। तो जो आजकल की जितनी भी मॉडर्न थीम आती है वो सभी मोबाइल फ्रेंडली होती है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट की थीम चेंज करनी पड़ेगी, इसके बाद जाकर आपकी वेबसाइट यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है संतोष शाह की तरफ से, और पूछ रहे कि हाउ डू चेंज पीएचपी माय एडमिन एक्सेस यूआरएल अपाचे 2, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द फाइल। तो इसका मैंने एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल का जो आर्टिकल है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबसे पहला वो विजिट करके आसानी से आप चेंज कर सकते हो आपकी पीएचपी माय एडमिन का जो एक्सेस यूआरएल है इसको, और आप अपने पीएचपी में एडमिन को मोर सिक्योर कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है रेडी टू लर्निंग की तरफ से, और पूछ रहे कि नाइस वीडियो सर, व्हाट इज़ द फीचर इमेज साइज फॉर ब्लॉग पोस्ट इन आइकॉनिक 1 थीम। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी थीम के अंदर कोई प्रीफिक्स नहीं होता थंबनेल का, लेकिन आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। इसके बाद जिस तरह से आप अपना पहला पोस्ट पब्लिश करते हो जिसके अंदर जो अपना थंबनेल रखोगे इसी तरह से जो आपके सभी थंबनेल का जो साइज होना चाहिए। तो मैंने जो ये थीम यूज़ किया था बहुत ही यूज़ किया था, तो आपको यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से जो अभी मैं रखता हूँ मेरे थंबनेल के साथ वो यूट्यूब सेम है, जैसे कि यूट्यूब के अंदर जो थंबनेल के साथ है वो है 12:18:720। तो आप इस तरह से रख सकते हो। इसके बाद का क्वेश्चन है और कंसुलर की तरफ से, पूछ रहे कि थैंक यू, आपकी एडवाइस सही थी, मैंने वो एड 2 बार देखा और परचेस करने वाला ही था, और आपने मेरे जो मेहनत के पैसे बचा लिए, थैंक यू। तो सर हमें कह रहे कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था पेड ब्लॉगिंग कोर्स के ऊपर, तो ये हमें थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने इस वीडियो में आपको बताया था और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी भी ऐसे पेड ब्लॉगिंग कोर्स परचेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप अगर YouTube के अंदर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको 1000 ऑफ वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर आपको प्योर ब्लॉगिंग का नॉलेज मिलता है। हमारे चैनल को ले लीजिए, हमारे चैनल के अंदर ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियो 600 वीडियो, तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है मुद्दासार हसन की तरफ से, पूछ रहे कि वे सम टाइम नॉन एसईओ पोस्ट रैंक इन गूगल ऑफ बिग वेबसाइट। तो जो आपका लास्ट वर्ड है बिग वेबसाइट, यही इसके अंदर इसका सीक्रेट है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है इसके पास हाई क्वालिटी बैकलिंक होती है, इसके बाद इसका डी अच्छा होता है, पी अच्छा होता है, तो इसी रीज़न से वो जैसे पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो विद इन आवर्स या तो 2-3 आवर्स के अंदर इसका पोस्ट गूगल के अंदर रैंक हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है अमन पारिक की तरफ से, और पूछ रहे कि सर्वर अपडेट करते समय साइट डाउन होगी या नहीं। नहीं, आपका वेबसाइट डाउन नहीं होगा, अगर आप अपना डोमेन रीसेट करते हैं तो इस केस में जो आपका सर्वर डाउन रहेगा, लेकिन अगर आप इसे अपडेट या तो अपडेट कर रहे हैं तो इस केस में आपका सर्वर यहाँ पर रनिंग मोड में रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है मोहम्मद आदिल की तरफ से, पूछ रहे कि भाई पोस्ट ऑफिस जाके लिया था या होम डिलीवरी हुई थी, प्लीज़ रिप्लाई।
तो मैंने जो जितने भी अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किए थे और बहुत ही सारे मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं वो सभी मुझे घर पे मिले हैं। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी ऑर्डर जो किए हैं वो अंडर 2000 हैं, तो इसलिए शायद ये सभी जितने भी कूरियर थे मेरे वो मेरे घर पे आ गए हैं। और इसके ऊपर मैंने जो मेरी दूसरी चैनल है जिसका नाम है भरत मकवाना, इसके ऊपर मैंने बहुत ही सारे वीडियो अपलोड किए हैं अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट के, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन अमित धार की तरफ से पूछ रहे कि भाई चीटी का शट डाउन हो गया है। तो जी हाँ, और सभी को पता होगा कि चीटी का जो बहुत ही बड़ा एड और नेटवर्क था जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था वो अब परमानेंटली शट डाउन हो गया है, आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो बस आज का सिंपल वीडियो यहीं तक था। आई होप कि जो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक और बार मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि सेटअप का वर्क हो रहे से मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।